टू सिविलियंस सीआरपी मैन इंजर्ड इन सोपोर ग्रेनेड अटैक मिलिटेंट्स फ्ली फ्रॉम स्पॉट मैसिव सर्च लॉन्च्ड इन एरिया से ऑफिशियल दो सिविलियन और एक सीआरपीएफ का पर्सनल जख्मी हुआ है आज एक ग्रेनेड हमले में उस वक्त जब जंगजू ने एक ग्रेनेड सीआरपीएफ कैंप की तरफ फेंका जो कि एक ज़ोरदार धमाके से फट गया जिसकी वजह से एक सीआरपीएफ वाला और दो सिविलियन जख्मी हो गए। ये सोपोर मेन टाउन में ये वाक़ पेश आया जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, नॉर्थ कश्मीर को कहते हैं। ये हमला करने के बाद जो सिविलियन जख्मी हुए हैं उनमें हैं अब्दुल रशीद डार और गुलाम डार और सीआरपीएफ वाला जो है पी कार्तिक है, जो जख्मी को फिर सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां सब की हालत जो है स्टेबल करार दी गई। इस हमले के बाद ना सिवे जंगजू मौके से निकलने में कामयाब हो गए और फिर वहां पर और रीइंफोर्समेंट भेजी गई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। अभी तक किसी के पकड़ने की कोई भी इत्तला नहीं है। अभी जो ग्रेनेड हमलों में बहुत तेज़ी आई है पिछले कुछ दिनों से, हर जगह से हर डिस्ट्रिक्ट में अब हमले हो गए हैं। कल ही एक एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया जिसके पोजीशन से कुछ आरपीजीज भी पकड़ी गई जो कि पहली बार हुआ है। तो ऐसे जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।